नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही आपका डेट मिस होने का टाइम आता है और आपका पीरियड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंसीव कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है आपका ओव्यूलेशन टाइम का पहचानना। तो आज मैं आपको ओव्यूलेशन टाइम के कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि आज आपका ओव्यूलेशन टाइम है, और ओव्यूलेशन टाइम में ट्राई करने से 100% प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और घंटी का जो आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली जो पीरियड साइकिल होता है 28 डेज का होता है, कुछ महिलाओं में ये पीरियड साइकिल 32-35 डेज का भी होता है। तो इस दौरान जो ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं वो पीरियड के 10 दिन बाद से माने जाते हैं। डॉक्टर भी पहले यही एडवाइस दिया करते थे कि आप पीरियड के 10 दिन बाद ट्राई कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस बीच सभी का ओव्यूलेशन टाइम हो जाए। तो मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी, चाहे आपका पीरियड साइकिल कितना भी हो, आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन अब हो रहा है, मतलब ओवरी से अंडर रिलीज अब हो रहा है। जैसे ही आप ट्राई करेंगे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन पहले अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पहले आपको उसको ठीक करना होगा, उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, तभी जाके आप फिर कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि पीसीओडी में पीरियड इरेगुलर होते हैं, पीरियड साइकिल सही नहीं होता है, जिस वजह से ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता है। पीसीओडी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो सबसे पहले उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। तो कुछ सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि आज मेरा ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो गया है, और जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। एक महीने में ही आप कंसीव कर लेंगी। बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं, अभी तक नहीं कर पाई, तो इससे आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना होगा। पीरियड के जैसे ही 10 दिन निकलते हैं तब से आपको ध्यान देना होगा इन लक्षणों पर, अच्छे से इनको पहचानना होगा, तभी आप कंसीव कर पाएंगी। पहला लक्षण आपको नज़र आएगा जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब आपको बुखार जैसा फील होने लगेगा, बॉडी में गर्माहट सी लगने लगेगी। ये आपको पीरियड 10 दिन के बाद ऐसा हो सकता है। कभी भी डेली अपने बॉडी टेम्परेचर को देखते रहें कि मेरी बॉडी किस दिन ज़्यादा गर्माहट फील कर रही है। दूसरा है वेजाइनल डिस्चार्ज। इस टाइम क्या होता है, जैसे ही आप पीरियड से फ्री होते हैं उस टाइम शायद आपको डिस्चार्ज नहीं होगा, ना वाइट डिस्चार्ज होगा, अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हैं तो। तो जैसे ही 10 डेज निकलते हैं तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। वो इस तरीके से होता है, अगर आप उसको अपनी फिंगर पर लेते हैं तो इस तरीके से तार बनाता है, मतलब एक थ्रेड के जैसा बनाता है, मतलब वो बीच से ब्रेक नहीं होता है। इस तरीके का आपको डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज स्टार्ट आपको हो गया है तो आप समझ लीजिए ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपको वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है उस दिन से आप 4-5 दिन तक कंटिन्यू ट्राई करते रहें। एक और इसका सिम्टम होता है कि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ने लगता है, क्योंकि जब तक सर्विक्स नहीं खुलेगा, बच्चेदारी का मुंह नहीं खुलेगा, स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, अंडे निषेचित नहीं होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी कन्फर्म कैसे होगी। इसलिए सर्विक्स का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम। अगर आप सर्विक्स का टेस्ट कर पाएँ तो कर सकते हैं। 2 फिंगर आपको उस टाइम पर अपने वजाइना में इंसर्ट करनी है, अगर वहाँ पर आपको सॉफ्ट जैसा फील होता है। चौथा लक्षण आपको नज़र आएगा कि इस टाइम पे आपकी जो रिलेशन बनाने की इच्छा है वो भी बढ़ जाएगी, और साथ में मूड स्विंग भी होने लगेगा, और आपको इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, हर बात पे चिढ़ छूटेगी, नेचर में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, और मूड स्विंग भी आपके हो सकते हैं, कभी कुछ करने का मन करेगा कभी कुछ। अगर ऐसा आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद आपको नोटिस करना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड अब स्टार्ट हो चुका है। 5वां सिम्टम होता है कि आपको इस दौरान ओव्यूलेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। किसी किसी महिला में ही ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, जैसे कि ब्राउन डिस्चार्ज कभी आपको हो गया, ब्राउन स्पॉटिंग हो गई, या कभी ब्लड भी आपको स्पॉटिंग के तौर पर आ गया, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ अगर दिख जाता है तो समझ लीजिए ये मेरा ओव्यूलेशन टाइम अब आ गया है। 6वां लक्षण आपको नज़र आएगा कि आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो ये लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, इस चीज़ को आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा। 7वां है ओव्यूलेशन किट।
उससे भी आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही ये होता है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन से, वैसे ही इसमें भी होता है। आपको यूरिन के 3 ड्रॉप उसमें डालने होते हैं, और अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड है तो उसमें 2 लाइन आती हैं, अगर अभी ओव्यूलेशन पीरियड आपका नहीं स्टार्ट हुआ है तो 1 ही लाइन आती है। तो इस तरीके से आप कन्फर्म कर सकते हैं। ये आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद से आपको डेली टेस्ट करना है, और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन किट में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, 2 लाइन आ जाती है, डेली फिर ट्राई करना है 3 से 4 दिन तक, और दिन में 2 बार आपको ट्राई करना है, जिससे कि प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 100% हो जाएंगे, आप जरूर कंसीव कर पाएंगी। ओव्यूलेशन किट आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, या फिर आपको नहीं मिलती है तो आप अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके भी खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए, और आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कंसीव करने में, तो कोई भी और भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।